अरे प्रश्न आया कि जी जब कोई स्थिति ऐसी होती है कि बोल नहीं पाता है, जिसके उत्तर के लिए हमें इंटरवल तक रुकना पड़ा, और छोटा है या उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ रहा है कि बोले किसी बड़े को, इस प्रश्न को हमें पेंडिंग रखते हुए एक नई संज्ञात्मक स्थिति पर जाना पड़ेगा कि हमारे समाज में, हमारे जीवन में ऐसी स्थिति क्यों है, ये हमारे इंडिया विशेष देश में है ऐसा। देखिए इसके लिए एक रास्ता है बहुत सुंदर कि अधिकार क्षेत्र सब जी सके। विदेशों में तो उसका मिसयूज भी होने लगा है कि बच्चे को बोल भी नहीं सकते हैं, वो भी एक उसकी अति मचा दी है। हमारा मकसद कहने का क्या है, यदि एक नए सिस्टम, नए समाज की ओर हम देखें तो होना क्या चाहिए जिससे अधिकार क्षेत्र का सिस्टम बढ़िया हो। अभी आप देखेंगे आपको खुद नजर आएगा, सुधरेगा, बेहतरी होगी। हर नए सिस्टम में कमियां आती हैं, हर नए सिस्टम से फायदा भी होता है, पर यह सिस्टम इसलिए क्योंकि पहले हमारे समाज में यही फॉलो किया जाता था। कई जगह आज भी ऐसा होता है कि लड़की को प्राथमिकता दी जाती है। देखिए एक लड़की है मोना, ये होना क्या चाहिए और होता क्या, मोना शादी करके मांगेराम के घर चली जाती है। अब यह मांगेराम की मम्मी है, पापा हो गए, रिलेटिव्स हो गए, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, बहुत झंझट हो गया मोना को इन सबके साथ। अब सिस्टम आज मोना जी आई है। अरे आप अभी कहोगे यही नाम रखो, अभी देखना, अभी आपको भी यही नाम रखना है। अब मोना विवाहित होकर के मांगेराम के घर चली जाती है, संजय जी के घर चली जाती है। तो मम्मी मिल गए, पापा मिल गए, चाचा मिल गए, भाई भतीजे, देवर, जेठ, जिठानी बहुत सारे मिल गए। अब समस्या क्या होता है, इसका जो रिलेशनशिप एक पति के साथ का है वो मामा चाचा भाई भतीजे के साथ नहीं, तो अब अपने रूप बदलती रहती है, बेचारी परेशान होती रहती है। इसी परेशानी के दौरान में न्याणे हो जाते हैं, शिशुपाल पैदा हो जाते हैं, छोटे छोटे दो शिशु ठिंगे पैदा हो जाते हैं। अब ये दोनों भी उसी माहौल के अंदर जीते जीवाते हैं, ये हमारा एक रेगुलर माहौल है जिसके अंतर्गत हमारी इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज है। होना क्या चाहिए, ये मोना है या होना चाहिए मांगेराम, इसका विवाह होना चाहिए मोना से, मोना के घर में, घर जवाई। ऐसा होता है कि लड़की के ब्याह करना हो तो लड़की को उल्टा दहेज दिया जाता है, ऐसा पहले था, आज ऐसा कई समाजों में है। होना क्या चाहिए, ये मांगेराम अकेला आ गया, अब ये मोना है, इसके साथ इसकी मम्मी मिल गई, पापा मिल गए, रिलेटिव्स मिल गए। एक सिनेरियो, अब ये घर जवाई बन के चला गया, अब इस घर के अंदर अगर इसकी पत्नी और उसकी मम्मी की लड़ाई होगी तो इसका कोई लेना देना नहीं है, इसके बीच कोई झगड़ा ही नहीं है। देखो ये बहुत संवेदनशील स्थिति परिवार की समाप्त हो गई, पति पिस जाते हैं बीवी और माँ के झगड़ों में, बर्बाद हो जाते हैं, वो पागल हो जाते हैं, मैं कहाँ जाके मरूं, बीवी सारे टाइम खून पी जाती है, तुम्हारी माँ वैसी और माँ सारे टाइम खून पी जाती है, कौन से घर की उठा लाया है, वो पागल हो जाता है। ये सवाल खत्म हो गया, मुक्त हो गया मांगेराम। अब ये बैठ के मम्मी इसकी सहेगी ही सहेगी, बेटी इसकी सहेगी ही सहेगी, सास बहू नहीं सह पाती। वो कहती है मेरा बेटा ले गई है बाहर से आई हुई, अभी अभी तो आई थी, अभी अभी बेटे को ये कर दिया, अब ना होगा ऐसा, कोई लेना देना नहीं है। पुरुष मानसिकता और स्त्री मानसिकता में जमीन आसमान का फर्क है, पहले होता था ऐसा, आज होता है जी, नॉर्थ ईस्ट में आज भी होता, नॉर्थ ईस्ट में आज भी होता है, एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट माइग्रेट करने की सोच रहा है। इन्होंने बताया कि इनको पता था कि हमारी बेटी तेज है, उन्होंने घर दामाद ही ढूंढा। मजे की स्थिति देखिए, ऐसी स्थिति में क्या होगा, अब ये लड़की आती घर में तो सास ससुर घूंघट फूंघट ड्रामे, आया गया नौटंकी होती रहती, झंझट, कौन किससे सर मारे। अभी आए मांगेराम जी, ये पापा के साथ खूब ताश खेलते और दोनों इकट्ठा बैठ के रात को पैग बना के पीते, कोई झगड़ा ही नहीं। पत्नी का झगड़ा खत्म के साले दारू पीने दोस्तों के पास जाता है। अब इसकी मम्मी कहेगी अच्छा पीवी मेरे वाले के साथ रहा, ये भी किससे लड़े, घर में लड़ाई खत्म, झगड़ा ही खत्म। अच्छा ये दोनों भी घर में पी रहे, कंट्रोल्ड पिएंगे, कोई टेंशन नहीं है। और एक बहुत संवेदनशील और समस्या की हालत खत्म, सारे टाइम मैं रोती रहती है, मैं घूंघट करके बैठी रहती हूं, खत्म, कैप्रीज पहन के घूमेंगे घर में, कोई टेंशन ही नहीं है, 1% भी घूंघट का डराव लुकाव झुकाव नहीं है। मां बेटी है, टेंशन आउट, बच्चे बहुत सुखद माहौल में बच्चे पलेंगे, बहुत सुखद माहौल। और सबसे बड़ा सामाजिक विश्लेषण जो समाज के लिए भला होगा, अगले जो होंगे जो इसके माता पिता हैं वो बेटी पैदा करना चाहेंगे, स्त्री का स्वागत होगा परिवार में, और इस स्वागत के कारण से ये भी अपने घर एक जमाई ला सकते हैं, और यही स्टोरी यहां की बन सकती है। परिवार का परिवार टूटेगा ही नहीं। समस्या कहां आती है सबसे बड़ी, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि स्त्रियां बुरी होती हैं या अच्छी होती हैं, स्त्री पॉजिटिव होती है,
इसलिए दो स्त्रियों का आपस का जो मन मुटाव, ईर्ष्या, क्लेश, वैर, राइट्स की लड़ाई, अधिकार क्षेत्र की लड़ाई है ना। सास कहती है बेटे पे मेरा अधिकार है, पत्नी कहती है अरे मेरा अधिकार है। बेटा कंफ्यूज क्योंकि गुरुजी तो मिले नहीं, अकल तो आई नहीं। वो कहता है यार मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी आधी अधिकार ले लो तुम। वो परेशान होता है, उसको ये समझना है पति रूप में मैं पत्नी का हूं, वहां मैं मां के खिलाफ जाऊंगा, मां को नहीं पिता को नहीं हक दे सकता। और स्त्री को पत्नी को यह पता ना मैं तेरे साथ पति रूप में ही हूं, बेटे के रूप में जो राइट्स है वो तेरे लेन देन नहीं, वहां इंटरफेयर नहीं कर सकती। अब वो इतना पक्का पक्का गांठ बांध के इतना पुरुष तत्व जो कहते हैं बिल्कुल राक्षस होगा तो ही चल सकता है, अन्यथा नहीं चल सकता। उसे समझ नहीं आएगा मैं कहां जाके बटू कट जाऊं, वो पागल हो जाएगा। तो जो प्रश्न भी इन्होंने छेड़ा के बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, वो हमारा सामाजिक ढांचा है। हमारे सामाजिक ढांचा में कि ये घर के बड़े हैं इनके आगे नहीं बोलना, ये घर के अपने होंगे। काश घर के बड़े घर के अपने होना सीख जाते। हम इतना मतभेद रखते हैं, इतना मतभेद रखते हैं। हम इतना मतभेद क्यों रखते हैं? हमारे पास हमारे मतभेद और हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने धर्म में इस्लाम की तरह एक अल्लाह है उनका, एक भगवान नहीं मानते। शास्त्र अनुसार हमारे पास एक ईश्वर है निराकार, कहा जाता है उसकी प्रतिमा नहीं है, उसका दूसरा स्वरूप नहीं है। बुद्ध परस्ती कहते हैं इस्लाम के अंदर, उसको नहीं मानो। हमारे धर्म में भी कहते हैं लेकिन कौन सिर फोड़े किसके साथ, क्योंकि एक ने राम बना लिया, एक ने कृष्ण, ये अवतार है। पैगंबर हुए ढेर सारे, बहुत सारे पैगंबर हुए हैं लेकिन भगवान एक है। ऐसे हमारे अवतार बहुत हुए लेकिन भगवान एक है, समझता कोई नहीं। कौन है निराकार? शिव। आप शिव को देखेंगे स्वरूप ही नहीं है उसका, और वैसे भी शिव प्रमुख देवता माने जाते हैं लेकिन अपने अपने भगवान बना रखे सबने। समाज तोड़ रखा है, बुद्ध के मृत्यु के पश्चात बुद्धिज्म के 20 टुकड़े हो गए। दूसरा बुद्ध कहां से लाओगे? खाक। एक परिवार के 20 टुकड़े क्यों है? क्योंकि हम एक ईश्वर को मानने वालों में से नहीं है। एक मंदिर जा रहा है, एक गुरुद्वारे जा रहा है, एक बाबा जी के पास जा रहा है, एक टीले वाले के पास जा रहा है। कौन है हमारा मालिक? एक मालिक है। जब हम एक ईश्वर को मानेंगे तो एक अधिकारी के अंतर्गत होंगे। यदि एक ही ओम जय जगदीश हरे चार लोग करेंगे तो जुड़ गए ना परिवार में। एक ने माता की आरती करनी है, एक ने पिताजी की आरती करनी है, एक ने धागे वाले बाबा के पास जाना, नाश पड़ गया। हमारे समाज को बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये सिस्टम प्रयोग में लाया जाए। ये बहुत जरूरत है कि एक ईश्वर को माना जाए। अपने अपने ईश्वर के चक्कर में अपना अपना सिर फोड़ते हैं हम लोग, और मेरा वाला तेरे वाले से ताकतवर है वो सुन लेगा। जब एक ही के अंतर्गत आएंगे तो टेंशन खत्म। छोड़ते नहीं, हम पकड़ के रखते हैं, हम जिद मारते हैं, मेरा नियम ये है, ऐसे करना है। निराकार शिव होगा ना, कोई नियम नहीं है। जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो, जैसे मर्जी रहो, जैसे मर्जी जियो, घर के झगड़े खत्म। अगर घर के बड़े बाबा जी एक को मानते हैं, मान लो कोई सब, तो उसने घर में लागू कर रखा होता है संहिता, होती है आचार संहिता। खबरदार घर में प्याज आई, बच्चे को तुमने अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा दिया, वो प्याज क्या लहसुन भी खाएगा? हो सकता है वो फिश टिक्का भी खाए। अब वो घर में क्या कहेगा? उसको लगेगा मेरे अधिकार का हनन है, मेरे माता पिता मुझे प्रेम नहीं देते, मेरे जिद मारते हैं, मुझे तंग करते हैं। कितनी बड़ी समस्या है। अपने ही घर की बेटी को हम कहते हैं धक्के जा, ऐसे जा, वहां मत जा। लड़के को कहते हैं जा जा मजे कर, किसी को छेड़ भी आए तो कोई फर्क नहीं। स्त्री कैसे अधिकार सोच के चलेगी कि प्रेम कहां है? कितना ज्यादा क्रश के सामाजिक तौर पर पूरा टूटा वो रखा है। हम मनुष्य के तौर पे एक ईश्वर के अंडर होने चाहिए। हमारे जो हजारों लाखों हिंदू, आज क्यों टूटा हुआ इतना? आज हिंदू क्यों टूट के खत्म हुए? ईरान से, पर्शिया से, इराक से, अफगानिस्तान से कहां भाग गए? क्यों भागे? जो बुद्ध को मानने वाले हैं, जब उन पर आक्रमण हुआ तो कृष्ण पे मानने वालों ने कहा हमें क्या, काश एक भगवान होता, काश एक भगवान होता। यह कहा जाता है कि 3000 अंग्रेजों ने हम लाखों हिंदुओं के ऊपर हिंदुस्तान पर राज कर लिया, एक ने भी पत्थर उठा के नहीं मारा। क्यों? क्योंकि एक उस बाबे के जाता है, एक का कुल देवता है, एक का स्थान देवता है, एक क्षेत्रपाल पे जाता है, साला एक है। एक बाप की 4 संतान तो इकट्ठा होकर लड़ लेंगी, एक भगवान की सैकड़ों इंसान हिंदू बन के तो लड़ लेंगे, बटे हुए कैसे लड़ेंगे? हम बात करते हैं औरों की, वो कबीलों में है, कस्बों में बटे हुए हैं, मुसलमान ऐसे वैसे, हम क्या कर रहे हैं? हम भी यही है। 36,000 मंदिर बना रखे हैं, किसी भी पेड़ के नीचे मंदिर ठोक देते हैं। पहली बात, ईश्वर इतना सस्ता है? एक फोटो लगाई, टेक दी, 2 फूलमाला चढ़ाई और खड़े हो गए। भगवान इतना सस्ता हर जगह मिल रहा है, कहां है? गुरु चाहिए। ये जो मैं है इसने हमारे जीवन को बर्बाद कर दिया है। छेनू, जब मैं था तब गुरु नाही, अब गुरु है तो मैं नहीं। प्रेम गली अति साकरी, तामे दोस्त ना समाई। दो नहीं आ सकते, जब मैं रहेगा तो गुरु नहीं मिल सकता, जब गुरु मिलेगा तो अहंकार समाप्त हो चुकेगा। हम बात यह कर रहे हैं कि जो छेनू है जो आग लगाता है, 12% मुन्ना अहंकार करते हुए सैकड़ों की चीज
औरों की मल्टीप्लाई 12-12 मल्टीप्लाई करते करते छेनु बन जाता है। यही छेनु और मुन्ना के बीच में अधिकार क्षेत्र है। और जब ये छेनु अंडर ऑब्जर्वेशन आता है गुरु के, साक्षी भाव, गुरु मौन, तो ये छेनु पिस पिस के घिस घिस के अधिकार क्षेत्र जता देता है, अधिकार क्षेत्र जता देता है। और जो व्यक्ति अपना अधिकार क्षेत्र जानता है कि मैं नहीं नष्ट हूं व्यर्थ में, मैं नहीं व्यर्थ में गाली लूंगा, वो ये भी जानता है मैं व्यर्थ में गाली दूंगा भी नहीं, मैं व्यर्थ में दूसरे को नष्ट भी नहीं करूंगा। डरा हुआ व्यक्ति ना खुद को बचाता है ना दूसरे को बचाता है, लड़ता हुआ व्यक्ति दूसरे को भी मारता है, स्वयं को भी नष्ट करता है। आप अपने अंदर आग लगाए बिना दूसरे को नष्ट कर ही नहीं सकते। ये सुनता है असर नहीं होता, ये किसी की सुनता नहीं, सुनने वाला चाहिए। जब छेनू सुनने लगे, एक ऐसा गुरु चाहिए जो जीवन बदल डाले। गुरु का महत्व क्या है? गुरु कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई एक, इसलिए एक शिव चाहिए, एक परमात्मा चाहिए, एक ईश्वर चाहिए, सैकड़ों बना रखे। एक ईश्वर होगा, चारों बैठ के एक साथ उपासना करेंगे उसकी, उसको प्रसाद मान करके उसके जीवन में भोग लगाएंगे, खाएंगे पिएंगे, उसी की मूर्ति होगी चाहे ना भी होगी। शिव स्वरूप मूर्ति चाहिए कहां, शिवलिंग है पूजो, लेकिन सब अलग अलग लगे होंगे। इतने विखंडन हो चुके हैं, गुरु भी किस किस का बने। गुरु यही तो वो शब्द है जो कहता है कि सब अलग अलग मानना छोड़ दो, जो कहता ना औरों ने दुख दिया। गुरु का अर्थ ये है कि और तो कोई है ही नहीं, मैं ही हूं, हम ही अकेले हैं, और अगर और भी कोई है तो वो भी मैं ही हूं। आपके लिए और दूसरा खत्म होता है, आप दूसरे को ब्लेम करना बंद कर देते हैं, आप दूसरे पे काम करना, दूसरे पे मेहनत करना खत्म कर देते हैं, रोक देते हैं, बंद करते हैं, आप सिर्फ खुद पे काम करते हैं। कहते हैं मेरी पत्नी सुनती नहीं, बोलना छोड़ दो, वो प्रताड़ित हो जाएगी कि ये आदमी मुझे छोड़ बैठा है, वो आपकी सुनने लगेगी। पति समझता नहीं है, समझाना छोड़ दो, मौन को सीखो। गुरु शब्द की एक महिमा है, मीन सीखना। आप ऑब्जर्वेशन जब साक्षी भाव मौन गुरु कृष्ण ऑन करते हैं तो आपका गुरु ऑन होता है, पूरा जीवन आपके हाथ में रहता है। आप अपने आप को स्वयं को अधिकार में रखते हैं, आप चार जगह बांचते नहीं फिर रहे हैं, मेरा काम नहीं हो रहा है, चारों की ऑरा साथ जाएगी, चारों की ऊर्जा साथ चलेगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। रोना कभी मत रो, चार लोग आपके लिए दुखी होंगे, चार जगह से वृक्ष को पानी डल रहा है। ये कहानी है सबने सुनी होगी, बड़ी प्यारी, पर इसका मर्म बहुत स्ट्रॉन्ग। एक लेडी थी, हमारी तो मौन नहीं होती है, अब क्या करें, मोना इन्हीं पे चलता है हमारा, मोना जी को सुनना पड़ेगा। उस लेडी का छोटा सा बच्चा एक 10 साल का आंगन में खेल रहा था और वो बहुत परेशान, ये बच्चा शैतानी कर रहा है, बेटा मान जा, बेटा सुनता नहीं है, बेटा ये कर, बेटा वो कर। अब वो करे क्या, सुनते तो है नहीं बच्चे, खेलते खेलाते वो बच्चा धड़ाम से आंगन में गिर गया। अब वो चिल्लाई, अरे आवाज आई है, देखा तो खून से लथपथ बच्चा गिरा पड़ा है। अब उसकी तो आदत थी गुरु मंत्र जाप करना, गुरुजी ने कहा है जो होता अच्छे के लिए, बेटा जो होता अच्छे के लिए। उसने मन में सोचा, यार मैंने इतना समय लगाया जो होता अच्छे के लिए, गुरुजी के बारे में सोचा, भगवान छोड़ दिए, अपने राम जी छोड़ दिए, फलाने छोड़ दिए, ये क्या जिंदगी नरक हो गई, गुरुजी ने कबाड़ा कर दिया। माँ की ममता और गुरु की सत्ता दोनों हिल गए, परेशान हो गई वो, आत्मा रो पड़ी। उसने बच्चे को जैसे तैसे उठाया गोद में और हड़बड़ाई, बोले कहां जाऊं, कहां भागूं, भागी 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 सड़क पर उतरी, कोई समझ ना है कहां जाए, पांव चलने लगे, लगा भाई नर्सिंग होम में भागती हूँ, रिक्शा कर लू, ऑटो कर लू, कुछ ना दिमाग में आया पास में कहां होगा कहां होगा। चलते चलते आधा किलोमीटर हो गया, पहुंची तो देखा नर्सिंग होम, पहुंची बाहर, पर्ची कटाई फटाफट, बच्चे को अंदर ले गई, डॉक्टर ने बोला अरे कुछ नहीं, गिरा है इसके मुंह में, दांत के अंदर दूध का दांत था टूट गया है और वहां से खून आ गया, और बाकी सदमे में ही बेहोश हो गया बच्चा, थोड़ी सी खरोंचे हैं, डॉक्टर ने इलाज कर दिया। आधे रास्ते माँ ने गुरु को गालियां बकी, आधे रास्ते भगवान को गालियां बकी, और सोचा कि मैं किन चक्रों में फंसी हुई हूं, ये बेकार के बेकार बेवकूफियां, इससे तो मैं माला ही जप लेती, इससे तो मैं चलिया ही रख लेती, पर ठीक है, कष्ट का समय यही सब सोचवाता है, मुन्ना का काम है वर्स्ट केस सिनेरियो, बुरी बात है ही सोचवाता है, उसका काम क्या है। घर आ गई बड़ा शांत, सारी रात मंथन चलता रहा कि क्या हुआ आज मेरे साथ यार, अक्सर हम उत्तर ढूंढते हैं, मुन्ना ये कहता है साला क्या हुआ, मेरे को उत्तर मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे साथ आगे मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, हम तो पुण्य आत्मा है, हम तो हरिद्वार नहाए, हमारे साथ बुरा क्यों हुआ। अचानक अर्ध चेतन अवस्था के अंदर सोए सोए दिमाग में बातें आई कि यार कल ही जो हैंडपंप लगा हुआ था घर में, उसका जो डंडा था खड़ा हुआ वो हटवाया था आंगन से, अगर कल मिस्त्री ना आता और बेटा उसी पे गिर जाता तो मौत हो जाती, उफ हे भगवान तेरी कितनी कृपा यार, बड़ा अच्छा हुआ आज गिरा, अभी गालियां बक रही थी, अब बोली बड़ा अच्छा हुआ, मन में आया विचार बड़ा अच्छा हुआ आज ही गिरा। फिर सोचा, पेट पर हाथ फेराया, अरे मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था और 10 ही दिन पहले मेरे अभी तो टांके भी शायद हरे रह गए हैं और मेरा खून नहीं निकला, और मैं 20-22 किलो के बच्चे को दौड़ती भगाती आधा किलोमीटर लेकर चली गई, और मैं भी कैसी मूर्ख हूं, बड़े हॉस्पिटल नहीं ले गई, नर्सिंग होम में ले गई जहां 2 बजे डॉक्टर उठ जाता है, और वो 3:30 बजे तक बैठा हुआ था। हैरानी की बात है, किस शक्ति ने बिठा रखा था उसे, ये कौन था परमात्मा।
कैसी कृपा थी कि बच्चे के लिए डॉक्टर भी था, उसने इलाज भी कर दिया और वो ठीक भी हो गया। फिर गुरु का ध्यान आया कि हर चीज अच्छे के लिए होती है। उठी, मानसिक क्षमा मांगी, बोली हे परमात्मा मुझसे क्या गलती हुई। गुरु जी हमेशा कहा करते हैं कि तुम्हारा प्रारब्ध है जो तुम्हें कर्म के तौर भोगना ही पड़ेगा, वो मैं नहीं रोकूंगा ताकि वो समाप्त हो जाए। तुम्हें 30 ग्राम दुख ही इकट्ठा एक दिन में भोगना है, जल्दी खत्म होगा, एक एक ग्राम नहीं। मैं तुम्हारे रास्ते खोल दूंगा, जीवन आसान बना दूंगा, ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी कि तुम अपने जीवन में आए हुए कष्टों को फूल की तरह निपटा दोगे। इस ज्ञान के होना मात्र ही जीवन को सरल कर देता है। जीवन सरल हो जाए, जीवन जटिल ही होना चाहिए, लड़ना सीखोगे कहां से। जब यह स्थिति बन गई, आपका एक काम नहीं रुकेगा, हर क्षण अंग संग चलेगा, हर मुसीबत एक नया रास्ता खोलती है। हम रोना ही रोना बंद नहीं करते। आपका अधिकार है, आपका यह अधिकार है कि ईश्वर तू करके देगा और वो देता है। अधिकार है बच्चे का अपनी माँ के ऊपर, मम्मी रोटी दे दो, मम्मी भागती हुई आके देती है, ईश्वर क्यों नहीं देगा यार, हर चीज देगा। अधिकार क्षेत्र या अहंकार से मांगते हैं या भिखारी की तरह। सर जैसे मन परेशान था उस माँ का, तो उसने उसी समय बेशक गाली बकी है जो भी करा, तो उसने उस समय वही सोचा, जब उसका मन शांत हुआ तभी तो उसने कहा ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इन्होंने बोला है कि जब उसका मन परेशान था, बहुत सुंदर बात की है कि जब मन परेशान था तो उसने खूब गालियां बकी। तो खैर गुरु और भगवान को गालियां वालियां लगती नहीं, गाली भी एक क्रोध का एक्सप्रेशन है, मुन्ना 6 रुपए नहीं टिकते। तो और जब वो शांत हुई तभी तो जाकर के उसने ये रियलाइज किया कि नहीं अच्छे के लिए हुआ। कहानियां। एक बार एक समुद्र में नाव जा रही थी, तो नाव को एक कप्तान साहब चलाते थे, तो नाव में सारे मुसाफिर बैठ गए, कुछ टूरिस्ट थे, कुछ अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचने वाले, 5 दिन की यात्रा है, समुद्र में जाएंगे। तो देखा कि कैप्टन शिप स्टार्ट नहीं कर रहा और वो बैठा हुआ शिप के बीचों बीच आलती पालती मार करके और प्रार्थना कर रहा है। तो सबने कहा यार पता नहीं कोई रिचुअल होगा, कोई टोटका होगा इसका, बोले किसकी प्रार्थना कर रहा है। तो लोग आपस में फुसफुसाने लगे जो आदत है दुनिया के चमको, अबे डरता होगा यार है, साला कुछ बुरा ना हो जाए, मौसम साफ है, अगले दिन की भविष्यवाणी है, सब ठीक है, वेदर विभाग भी कहता कुछ है ही नहीं, गड़बड़ है ही कहां। बोले यार बड़ी शांति से बैठा हुआ है, बताओ अभी कुछ लफड़ा भी नहीं है और इसने अति मचा रखी है, रोना पिटना कर रखा है, ये पट्टा टाइम खराब कर रहा है, जहाज चला इससे तो। पर खैर कैप्टन था, कोई क्या बोल सके, कोई लेन देन नहीं। कैप्टन साहब ने अपना आधा घंटा लगा लोगों के अपना चटाई बटाई उठाई और चल दिया। फिर वेदर फर्स्ट क्लास था, लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, मस्त माहौल, सब लोग बात कर रहे थे, बड़ा पूजा पाठी। अगले दिन तो देखा नहीं। जहाज के तीसरे दिन सफर पे तूफान आ गया, वो तूफान इतना आया कि बुरा हाल, और लोग ढूंढे कैप्टन को, कहां है तू, कुछ कर। कैप्टन रूम के अंदर लगा हुआ है, जहाज संभालने के अंदर बंदे सारे लगा रखे हैं उसने, सारे यात्रियों का मर जाएंगे, भगवान से प्रार्थना ही कर ले। वो डेक पे बैठ गए, रस्सियों से बांध लिया खुद को, 4 लोग रस्सी बना गया इंसान की, कैप्टन के केबिन तक गए, वहां देखा सारे के सारे लगे हुए अपने सब तपस्या में मेहनत कर रहे हैं, खूब जम गए, कह रहे बाहर आ जाओ प्रार्थना ही कर लो, अबे भगवान ही सुन लेगा सालो। तो क्या भगवान सुनेगा, वो भगवान तो गोते लगा रहे, उछल रहे, बाहर वो रो रहे पिट रहे हैं भगवान, अंदर वो अपना मेहनत में लगा हुआ है। हम गए जी तूफान 6 घंटे के बाद, सब लोग सवार हो गए कैप्टन पे कि आप प्रार्थना करने तक नहीं आए हमारे पास, आपको शर्म आनी चाहिए थी, मर रहे थे, कम पड़ गए, पता नहीं 10 लोग और आ जाते। बोले जब मैं शांत था ना तब उस परमात्मा से प्रार्थना कर चुका, पहले दिन देखा नहीं था। बोले परेशानी के टाइम भीख मांगू, इस समय लड़ूंगा, इस समय मुझे लड़ना है, अब बैठ के मैं उस परमात्मा की भीख नहीं मांगता फिरूंगा, कर तो चुका प्रार्थना। शांत हृदय अल्फा ब्रेन, सिर्फ शांत हृदय 7 Hz to 14 Hz निद्रावस्था, जब हमारे पास शिव ऑन है, जब दादाजी ऑन है, वही तो परमात्मा से मिलने का समय है। अभी बेली गप्पे मार रहे, थीटा पे है, बीटा पे है, गामा पे है, और भगवान सुनेगा ही नहीं, को कह रहा है परेशानी के समय ईश्वर नहीं सुनता, दादाजी कट ऑफ होते हैं, अल्फा ब्रेन कट ऑफ होता है, आपकी एक प्रार्थना कॉस्मोस में नहीं जाएगी। शांत चित्त लाना सबसे पहले जरूरी है, इसलिए शांत चित्त में जो प्रश्न इनका था, उसने प्रार्थना जो कर ली, वो गुरु था चाहे भगवान था, कौन था, कॉस्मोस था, सुन ली। क्लेश के टाइम में चाहे गाली बको, चाहे भगवान को बको, चाहे मामा जी को बको, वो बीटा वेव्स है, वो अल्फा वेव्स है, वो नष्ट है, वो नाले में जाते हैं, उनका कोई काम नहीं। आपका अधिकार क्षेत्र अल्फा ब्रेन है, आपका वो ब्रेन का हिस्सा है जो आपके लिए काम कर रहा है। आप शांत दिमाग से जॉब पे जाइए, शांत दिमाग से इंटरव्यू दीजिए, एग्जाम दीजिए शांत। पीछे एक बालक का विवाह का लफड़ा फंस गया, बोला मैं परेशान हूं। मैंने कहा क्यों परेशान है, शादी नहीं हो रही। मैंने कहा साले अभी सुखी है तू गधे, तू परेशान भी होएगा। बोले मुझे नहीं पता। मैं शादी नहीं हो रही।
मैंने कहा भाई क्यों नहीं हो रही तेरी शादी? बोले आपसे पूछ रहा, मुझसे पूछ रहे हो। मैंने कहा तो फिर तू मुझसे पूछ ले, गलती क्या कर रहा है? बोले जी क्या गलती कर रहा हूँ? मैंने कहा इतना तड़प रहा है, लड़की सामने नहीं, अभी मेरे सामने गप्पे मार रहा है। मैं ही लड़की होता मुझे चूम मारता थे। मैं साले कुछ तो अकल कर, इतना एक्साइटेड होता है, इतना तो परेशान होता है, शादी कहां करेगी? शांत दिमाग से जा, शांत दिमाग से जा। कहता जी मेरे को जो पसंद आती है मुझे पसंद नहीं करती, जो मुझे पसंद नहीं आती वो पसंद करती है। मैंने कहा बेटा अभी सच्चाई पता चल रही, बाद में भी यही होना है। शांत दिमाग से जाएगा तेरा विवाह हो जाएगा। शांत दिमाग सीखना, वो कैप्टन जहाज का उस प्रकार चलाता है, जब सब शांति है तब प्रार्थना कर बैठो, ईश्वर सुनता है। कई साल पहले मेरे पास एक लड़की आई, काफी बात हुई, कट शॉर्ट आज के पॉइंट से निकली बात बता रहा हूं। तो बात चलते में उसने मुझे बोला इतना क्यों अन्याय होता है जी लड़कियों पे, इतना क्यों रोकथाम होती है, ये होता है वो होता है, तंग करते हैं। मैंने कहा भाई असली बात पे आए प्लीज। बोली मेरा मन करता है सिगरेट पीने का, हम नहीं पी सकते क्या? मैंने ड्राइवर को कॉल किया, मैंने कहा एक सिगरेट का डब्बा और एक लाइटर ले आ। 10 मिनट बाद चलती रही, वो ले आया इतनी देर में। फिर वो कहती रही मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मेरे को कोई समझता नहीं, मेरे को वो नहीं, भन 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 भन। आ गया वो डब्बा लाया, मैंने उसको कहा लो सिगरेट और ये लाइटर पियो एंजॉय। तो कहती है मैंने कहा अभी तो तड़प रही थी, तू पीने नहीं देता। मैं कहा मैं बैठा हूं देख, तेरे माँ बाप भी मना नहीं करेंगे, सामने कहेगी तो सामने दे दूंगा डब्बी, गाली पक देंगे मुझे, फिर फंसेंगे, यहां लाए क्यों थे? मैं टेंशन कोई नहीं, मैं पी। कहते तो मुझे कुछ समझ। मैंने कहा पीनी खुशी में, अगर इतना सड़ियल बन के पिएगी तो दूसरी डब्बी नहीं लाऊंगा मैं, खुश होके पिएगी। और रो पड़ी, पता नहीं क्या उसके अंदर आंदोलन हुआ और उसी क्षण क्या ज्ञान प्राप्ति हुई। उसने डब्बी और वो लाइटर वापस टेबल पे रखा, बोले जी जिस दिन मैं खुश होना सीख गई ना उस दिन जरूर पीऊंगी। मैंने कहा वाह कमाल हो गया, पैसे खराब करा दिए। फिर वो डब्बी हमारे जो ग्रुप में आते हैं नीरज भैया, मैंने उनको दी थी। एनीवे उसने भी कहा प्रसाद है भाई, भाई इतने अच्छे प्रसाद देते हैं आप, कैसे गुरुजी बताइए प्रसाद मिलता है। अब तो खैर उसका विवाह हो गया, बच्चे हो गए, अब तो वो दारू वारू सिगरेट सब पीती है हस्बैंड के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, विशेष ध्यान देना बता देना। तो मकसद कहने का क्या है, आप प्रसन्नता में कुछ कर रहे हैं वो आनंद है, कैलकुलेशन में कर रहे हैं वो व्यसन है, आप भजन भी कर रहे हैं थीटा ब्रेन में, अल्फा बीटा ब्रेन में, गामा वेव्स पे, वो रोना पिटना है वो व्यसन है, वो बर्बाद कर देगा। आनंद वो चीज है जिसमें इसलिए किस लिए क्यों क्या नहीं होता, बस होता है। क्यों कर रहे हो ये? ऐसे कई हस्बैंड आते हैं, वाइफ आते हैं मेरे पास, जो हस्बैंड खाना बनाता है, तो मैं चुटकी लेता हूं कि भाई आप बड़े मजे हैं, आपने तो हस्बैंड रूपी वाइफ मिली है आपको। तो कहती क्या करें, मानते नहीं, इनको इतना शौक है खाना बनाने का, ये खाना बनाते हैं, मुझे भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। अब मेरा यह हाल हो गया, मुझे नहीं क्या अच्छा लगता है। तो वो भोजन बनाना क्या है? वो आनंद है। उसमें क्यों बनाया, किस लिए बनाया, बनाया खत्म। आपके बच्चे पैदा हुए, आपने पाले, क्यों पाले, पाल लिए, क्या बनेंगे भगवान जाने। वैसे सारा दिन भगवान भगवान करते हैं, टीका लगाते हैं, मंदिर में भगवान की जगह बना रखी है और खुद उनकी ऐसी तैसी फेर रखी है, बच्चों के सालों ये बनो, भगवान बनाया। कोई क्यों बनेगा इंजीनियर, भगवान की इच्छा। कोई क्यों बनेगा डॉक्टर, कोई क्यों नहीं बनेगा डॉक्टर, कारण है, कुछ ना कुछ वो ऊपर वाला बना डालेगा। हम सबको धरती पर जीवन दिया है, सेपरेट डीएनए दिया है, अधिकार क्षेत्र दिया है, हमारे को शरीर दिया है, साला और क्या चाहिए। गला रहे हैं, जला रहे हैं, रो रहे हैं, पिट रहे हैं, या डर रहे हैं या डरा रहे हैं। अमा एंजॉय कब करोगे, सब सुट्टा ले आओ, एक एक खरीद खरीद के, खुद ना पियो तो बच्चों को खिला दो, एंजॉय करो, एंजॉय सिखाओ, एंजॉय। आप पूजा पाठ करते हैं एंजॉय करते हैं, डरे हुए होते हैं। आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, एंजॉय करते हैं, डर के एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, पतले हो जाए, हाय मोटे ना लगे। आप बिना मेकअप बाहर जाते हैं परेशान होते हैं, बिना बढ़िया कपड़े अच्छी घड़ी के जाते हैं परेशान होते हैं। अरे जा रहे बिंदास, क्यों जा रहे हैं, बस जा रहे हैं यार। देखिए सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर पूरी क्लास है, देखा जाएगा जो ईश्वर है, जो हमारा कॉरेस्पॉन्ड करता है कॉस्मोस से एंटीना, उसे एक्टिवेटेड रखो यार, रोते रहना। ऐसे लोग हैं जो आते हैं 20 साल से, अजी परेशान है हम तो जी, पैसे नहीं होते, सारी दुनिया उनको ये बोलती है इनके पास पैसे नहीं होते, और उनके महीने के लाख लाख के खर्चे होते हैं और उनपे सच में बाकी फिर भी पैसे नहीं होते, क्योंकि वही वाइब्रेशन काम कर रही। अमा कितना रोगे, कितनी फोटोकॉपी बनाओगे। ईश्वर आपके अंग संग है, वो आपको जीवन दे रहा है, प्रेम दे रहा है। आपने एक बीज बोया कि इसे मार दो पूरी कायनात लग जाएगी वृक्ष बनाने में, आप एक बीज बो ना प्रेम का, पूरी कायनात लग जाएगी आपको प्रेमी बनाने में। आप देखेंगे आपसे हर कोई प्यार करता है, छोटा बच्चा सब प्यार करते हैं,
काला हो पीला हो गधे का बच्चा हो उसे भी प्यार करते हैं क्योंकि प्यार का बीज है वृक्ष। सर साउथ की एक मूवी थी, साउथ की मूवी आ गई, हाँ महर्षि नाम की, हाँ हाँ हाँ, उसमें अल कौन था, अल्लू अर्जुन नहीं, अल्लू अर्जुन महेश बाबू हाँ, उसमें ना सर उसी टाइप का था कि कोई गांव हटा के कुछ केमिकल फैक्ट्रीज लगानी, तो फिल्म का नाम बता दो, मैं लिखते तो अपने आप देख लेंगे कितना जो टाइम खराब करना, बताओ। तो उसमें नाम महर्षि वो सबटाइटल से देखे क्योंकि हिंदी में नहीं है, अरे हिंदी ढूंढ देंगे तो कई प्लेटफॉर्म है, महर्षि साउथ इंडियन फिल्म देखे इन्होंने बताया है सर। तो उसमें उसमें ना लास्ट में सारा ये होता था कि एग्रीकल्चर लैंड हटा रहे हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, तो जो अपना हीरो है वो भी इसी चीज में लड़ रहा होता है विलन के अगेंस्ट। थ्रू आउट दिस जर्नी जो लास्ट के आधे घंटे में पिक्चर अनफोल्ड होती है, तो वो देखता है कि एक बूढ़ा बंदा आता है, यानी कि हम फिल्म देख के भी एंजॉय नहीं कर सकते सर, आप वो देख के फिर क्वेश्चन पूछ लिया। अच्छा बताओ फिर। तो सर वो अकेला बूढ़ा आता रहता है और बूढ़ा आके जाता है, सारे नजरअंदाज करते हैं, लड़ने में लगे रहते हैं, तो लास्ट में उसको एक वो एक बार फॉलो करने लगता है उस बूढ़े को, हीरो जो है वो फॉलो करते करते देखता है कि जितनी देर में लड़ाई वड़ाई करते रहे उतनी देर में उस बंदे ने एक खेत जोत दिया पूरा का पूरा अकेले ही, तो फिर मीडिया अटेंशन वहां लेके आते हैं और सबको किसानी सिखाते हैं, तो वो डायरेक्शन पिक्चर की उस तरफ चली जाती है। पर वो इनिशियल जो एफर्ट है, आपने कहा एक बीज डालना पड़ता है प्यार का, यहां से क्वेश्चन आया कि बीज डालने के लिए जो इनिशियल एफर्ट है ना वो सबके माहौल के विपरीत है, वो सारा एफर्ट माहौल कुछ है पर आपको अपने आप में तटस्थ रहने वाला एफर्ट है वो, कि तो वो स्थिरता के लिए इन्होंने पूरी फिल्म की स्टोरी सुना के उसका नाश पीट के हुए प्रश्न पूछा है जो बिना फिल्म की स्टोरी के भी ये दे सकता है, ये शंख पुष्ट मुझे एक बार मिल जाए कि भाई जब कोई व्यक्ति एक बीज डालता है शुरुआत में, प्रेम का डालता है, नफरत का डालता है, प्रयास का, प्रयत्न का, पढ़ने का, तो बीज डालने के लिए कितना स्थिरता और कितनी तटस्थता चाहिए, कितना फिक्सेशन चाहिए। आप ये बात समझ लें कि जो व्यक्ति गुरु कृपा से परम कृपा से ये जान जाता है कि एक बीज का हिस्सा है जहां से क्रोध वापिस आ सकता है, एक बीज का हिस्सा है जहां से शांति प्राप्त की जा सकती है, उसके बियॉन्ड चले गए तो नहीं, तो वो अधिकार क्षेत्र की एक सीमा को मानसिकता में जान लेगा। जैसे कहते हैं ना, बोला बोला ही क्यों यार, बेकार ही बोला, तो पहले ही जान लो इसलिए बोलो ही मत, बोलने की आवश्यकता नहीं। लोग अक्सर करते हैं, बोल दिया फिर कहते हैं क्या जरूरत थी बोलने की। जब इतना मनन आ जाएगा तो आप पर कृपा होगी, और उस कृपा के लिए एक पॉइंट और है, नींद है हमारी जरूरी, इसको भी बता ही देते हैं बात खुली है तो, कि आपको वो तटस्थता कैसे पता चलेगी, वो पता चलेगी कृपा से, अल्फा से, शांत ब्रेन से, जिस ब्रेन पे ईश्वर सुनता है। अब उस ब्रेन पे रहने की प्रैक्टिस डालो, उस ब्रेन पे मैं दोबारा बता देता हूं, हम एक बीज डाल रहे हैं और वो बीज वृक्ष बने, कब बनेगा, जब वो बीज डाला गया कब, एक परम चैतन्य अवस्था में, अवेकंड अवस्था में, माइंडफुलनेस में, कि यार अब इसका वृक्ष बनेगा। मतलब मैंने ये इंटरव्यू इतना ध्यान समझ ऑब्जर्वेशन में दिया है, ना मैं डर रहा था, ना मैं डरा रहा था, ना सेल्फ इंप्रेस जुड़ रहा था, ना मैं इससे जुड़ रहा था, मुझे पूरा रियलाइजेशन इंटरव्यू दिया है, वो जॉब लगेगी, ये फैक्ट्री मैंने लगाई है, बहुत ध्यान में डाली है, बहुत सोच समझ के करी है, ना जुड़ा हूं ना अलग हुआ हूं, और आप अधिकार समझा, ये ईश्वर तो देगा इसको, फैक्ट्री को चलाएगा, वो फैक्ट्री चलेगी 101%। तो वो अवस्था कौन सी है, वो अवस्था कैसे डेवलप होगी, जिसमें आप चैतन्य है, ऑब्जर्वेशन के अंदर गुरु, आपके अंदर ऑब्जर्वेशन है साक्षी भाव, अंदर का गुरु, उस ऑब्जर्वेशन को करते हुए आपको पता चल रहा है ये मेरा गुस्सा आ रहा है, ये मेरा पॉइंट है, इस थ्रेशोल्ड के नीचे मैंने सुनना नहीं और इससे ज्यादा पे बोलना नहीं। सर पता होने के बाद ये जो लाइन बोल रहे हो, ऑब्जर्वेशन के बाद भी हम वो चीज कर जाते हैं, फिर हम दोबारा ऑब्जर्व करते हैं कि ये क्या किया, जब ऑब्जर्व के बाद कर देते हैं, वो ऑब्जर्व नहीं किया, तो फिर मतलब वो करने के बाद ऑब्जर्व, आदत आदत निकल जाती है। मैं पता है तो प्रैक्टिस से कहां से होगा, आपने देखा होगा दिल्ली शहर में आप गाड़ी लेके घूम रहे हो, उस पर खूब डेंट लगते हैं, गाड़ी ठुक रही है, एक डेंट लग गया, दूसरा लग गया, गाड़ी ठुक ठुक के ऐसी की तैसी हो रही है, आखिर में आप क्या सोच सकते हैं, बर्बाद हो गई, बर्बाद हो गई, हाय हाय हाय। ज्ञान कब डेवलप होगा, जब आप सोचेंगे चल तो अभी भी रही भाई, कितने डेंट सह लिए इसने, बस सारा दिल्ली है छोड़ पर है यार, डेंट लग गए भाई, फन्नाटेदार चल रही गाड़ी से चल रही है अपनी। तो क्या हुआ, आप अधिकार क्षेत्र समझने लायक बुद्धि को चैतन्य कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, क्योंकि आप एक बार भी रोए नहीं, एक बार भी लड़े नहीं, ना आप मुन्ना के क्षेत्र में गए, ना छैनू के, आपका शरीर है, कभी यहां चोट लग गई, कभी यहां निशान लग गया, कभी यहां कट लग गया, जिंदा तो है, आपको बहुत बड़ी चोट लग गई, दिक्कत आ गई, जिंदा तो है, आपके पास कोई बच्चा है, भाई है, पति है, पत्नी है, उसको चोट लग गई, आप क्या करते हो, हाय हाय हाय, या फिर करते हो उसका साले का खून पी जाएंगे,
अब आप या तो छेनू पे जा रहे हो या मुन्ना, आप क्या सोच सकते हो? ठीक है ना, बीमार है, चार दिन गोली का ठीक हो जाएगा, क्या हो गया, चोट लगी, अबे हरी भरी हो जाए, फिर ठीक हो जाएगा साला, छोड़ पर। आप अधिकार क्षेत्र ऑन करना सीख जाओगे, वो अपने आप ऑन होगा, हर बीज का वृक्ष बनेगा और वो सौंदर्य का ही बनेगा, क्योंकि आप तटस्थ होना सीख गए। आपका गुस्सा आपके हाथ है, आपका डर आपके हाथ है। नहीं तो लोग कहते ना, हाय हाय डरावनी पिक्चर देखनी है, साथ रहना मेरे। भाई देखनी क्यों है और साथ भी रहना मेरे, क्योंकि डर की किक मिल रही है, डर डर के चीखे निकल रही है, फिर दूसरे का हाथ पकड़ रहे, नहीं छोड़ रहे, देखनी क्यों है, ये किक है, ब्रेन किक लेता है, कभी मुन्ना पे जाता है, कभी छैनू पे जाता है, कभी मुन्ना, बीच में रहो। भाई देखनी क्यों, देखनी है तो सीखे, डर लेंगे, कर लेंगे एंजॉय, वो निरर्थक लगेगा, व्यर्थ लगेगा। हर समय सोचो जिंदा तो है यार, आपका बहुत पैसा लुट गया, साले जिंदा तो है, फिर कमा लेंगे। जो वो लोग सड़क पे उठ के, सड़क पे गिरे, फिर वहां से उठ के दोबारा महलों में आ गए, कौन थे वो? उनका बहुत कुछ लुट गया, कश्मीर से कितने लोग आए, कहीं कोई युद्ध से आया, क्या हुआ, फिर बिल्डिंग बना ली, कहते हो यार इसी बॉडी से बनाया था, फिर बना लेंगे, फिर बन गया। पति पत्नी में झगड़ा होता है, ऐसे कई हैं ढीठ पति पत्नी आते हैं मेरे पास, खूब झगड़ा होता है, अगले दिन फिर हंस रहे होते हैं, लोग बातें कर रहे होते हैं, सारे रोज सुबह कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं, शाम को डिनर पर जा रहे होते हैं। मैं कहता हूं ज्ञानी है, ज्ञानी परम ज्ञानी है, तीन दिन तक उसका इलास्टिक खींच रहे, काय को खींच रहे, लड़ लिए, सर फोड़ लिए, चलो खाना खाए, एंजॉय कर, कितना अच्छा, ये ज्ञान है। कोप भवन में बैठी है कि कई राजा दशरथ मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, राम वनवास जा रहे हैं, साली कितने रामायण लिखोगे, कोप भवन की कट कर दो, या पति या पत्नी जो कोप भवन में जा रहा है उड़ा दो उस कमरे को, घर से आग लगा दो, वहां छेनू लेकर आओ ना, पति को भवन में जाए, पत्नी भी डरे जाने से, साला राक्षस निकल आएगा इसका बाहर। अधिकार क्षेत्र जता दोगे, इससे आगे सहन नहीं होगा, शाम को तो पार्टी ही करेंगे, क्योंकि नींद बढ़िया लेगी। आप अधिकार क्षेत्र की स्टेज कभी भी जीवन में ऑन नहीं कर सकते अगर आपकी नींद बढ़िया नहीं है। आपकी नींद बढ़िया होनी चाहिए, दादाजी ही तो करके देंगे सोए सोए, लोग नींद हराम कर लेते हैं, परमात्मा पे विश्वास नहीं, क्योंकि कभी राम काम कर रहा है, कभी कृष्ण कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है। एक एक बना लो यार, राम बनाया नो प्रॉब्लम, वो भी शिव ही है, कृष्ण बनाया नो प्रॉब्लम, वो भी शिव ही है, किसी को नहीं बनाया नो प्रॉब्लम, वो अंदर भी बैठा है, कोई टेंशन नहीं, ना बीवी को दुखी करो, ना पति को दुखी करो, स्वयं को दुखी मत करो, हम खुद सड़ते कुड़ते रहते हैं। नींद कैसे बढ़िया लानी है, यह बहुत आसान है, ये हम अभी इजीली बता देंगे। नींद लाने के लिए आप नींद लाने के लिए अपने बेड पर लेट जाएं, अपना टेलीफोन लें, बैटरी चार्ज होनी चाहिए कम से कम 50%, उसके अंदर दो टुकड़े होते हैं, फूल निकले वो कान में लगाएं और लेट जाएं। सोने का बिल्कुल प्रयास ना करें, उल्टा जगने का प्रयास करें। क्या होगा, जितनी ये बातें हमारी, अब जैसे आज की हमारी क्लास है, बड़े ध्यान से समझेंगे, आप लोग बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, आपको पता नहीं आपके ब्रेन के प्रोसेसर ने इस समय कितनी बातें प्रोसेस की हैं। बीच में ऐसे ऐसे प्रश्न आए हैं जो मुझे दोबारा खींच के धागा बांधना पड़ा अधिकार क्षेत्र पे, नए नए वाले प्रश्न, 20 जगह घूम के आए खोपड़ी। आपका प्रोसेसर बहुत शार्प है, अब होगा क्या, आपका मुन्ना हाथ खड़े कर देगा, आपको मुन्ना है जो टेनिंद हराम करता है, वो जब क्लास चलेगी ना अंदर, इतनी बातें आएंगी, इतनी बकवास, मैं खुद अपनी क्लास सुन के सिर दर्द कर देता हूं, मैं से ऑफ नहीं होती, मैं कहता हूं कितना बोलता हूं मैं, हे भगवान चुप नहीं होता। मुझसे कई लोग कह देते हैं कि सर उस क्लास में आपने ये कहा था, मैं कहता हूं तो खुद ही बता दो, क्योंकि डरता हूं खुद सुनने में, डर लगता क्योंकि बंद नहीं होगी, फिर कितना बोल रहे, फिर कहते हैं वाह, फिर मैं कहता इतने काम चोर मुझे सुननी पड़ेगी, फिर मैं सुन के उत्तर देता हूं, पर बंद नहीं होती, मैं कहता यार कितना बोले जा रहा हूं, फिर जाकर रियलाइज होता है इसे बंद भी करना है, मतलब यहीं बंद करना मुश्किल नहीं है, वहां भी मुश्किल है, कितनी देर से खत्म हो जानी चाहिए थी, पूर्ण हो जानी चाहिए थी क्लास, लेकिन चली हुई है, तो उसमें क्या करें, दोनों टुकड़े लगा लें। अब आपका बहुत शार्प ब्रेन है, आपका मुन्ना 5 मिनट में हाथ खड़े कर देगा, क्योंकि प्रोसेस हो रहा है खोपड़ी में, आपको मैं बता रहा हूं रियलिटी, आपकी खोपड़ी में गए टुकड़े, बकवास शुरू हुई हमारी, किसी की भी सुन लो यार कोई बात नहीं, दूसरे का भी नुकसान नहीं फायदा है, आपका ब्रेन प्रोसेस करना शुरू कर देगा। अब मुन्ना कहेगा ऐसा भाई गुरु इधर आ जा, तू सुन तेरे समझ आती, क्योंकि समझ आ रहा है आपके अंदर के, मुन्ना मीन समझ नहीं आ रहा, ना 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 रे, गुरु ऑन हो जाएगा आप सबका, जैसे गुरु ऑन होगा समझ आने वाली चीज में गुरु ऑन होता है, विश्राम पे होते हैं, सब समझ आ गया भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, आपका विश्राम अवस्था आ गई, आपका थर्ड आई संसार में देखेगा, ब्रह्मांड में बाहर, धरती के बाहर यार अंधकार है हमारे इलाके में, मेलेटोनिन सेक्रेट करना शुरू कर देगा, मेलेटोनिन सेक्रेट होते ही आपको नींद आ जाएगी, ये साइंटिफिक बायोलॉजिकल चीज है, और आप खुद सो जाओगे, मजे की बात, सब कुछ डाउनलोड हो रहा है, सर मोबाइल खुला रहेगा, मोबाइल ऑन रहेगा, डाउनलोड सब हो रहा है, आपको डाउनलोड होकर लाइब्रेरी में है, आपको 10 साल बाद जरूरत पड़ेगी
उसका रेफरेंस निकल आएगा, आपको कोई लेना देना नहीं है। अचानक से नींद भी खुलती है, नींद खुलेगी बता रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा, आधे घंटे के विश्राम के बाद ऑटोमेटिक आपको कोई उठाएगा, आप उठ के निकालोगे, मोबाइल ऑफ करोगे, सो जाओगे। यार ये भी बड़ी मजेदार बात है, क्योंकि जब गुरु पूर्ण तृप्त हो जाएगा ना, तो आपका स्वयं जो 24 घंटे ऑन रहता है, जो सोता नहीं टेलीफोन की घंटी सुनाता है, वो कहेगा गुड, अब हम ऐसी स्पीड पर आ चुके हैं कि कोई नींद खराब नहीं कर सकता, उठ। जैसे रात को हम उठते हैं, भाई टॉयलेट चलेगा, सुसु चलेगा जी, कॉल ऑफ नेचर, आते फिर सो जाते। ऐसा ब्रेन प्रोग्राम रहता है, उस टाइम सोना है, जग नहीं सकते, नींद नहीं खराब हो सकती, हम उस लेवल पे आ चुके, ब्रेन का रिलैक्स स्टेटस ऑफ माइंड हो गया। आप जाएंगे आएंगे, आप फोन बंद करेंगे, साइड रखेंगे, पानी पियेंगे, फिर सो जाएंगे। और अगर आपने टुगे लगाए हैं और समझ सब कुछ आ रहा है, तो भी बड़ी खुशी की बात है, ब्रेन रिलैक्स हो गया। और कुछ भी मान लो समझ ही नहीं आ रहा है, जो लोग प्रोसेस नहीं करे, जिनके प्रोसेसर खराब है, उनके साथ फायदा क्या होगा, जो क्लास नहीं सुनते, जिनको पता ही नहीं, उनके कान में लगा दिया, उनका मुन्ना परेशान हो जाएगा, कहेगा स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन स्पिंजर वेब एनी साइड, पूरा गाना पड़ेगा। उसको स्पाइडरमैन तो समझ आएगा, ये नहीं समझ आएगा, कहेगा क्या चल रहा है, हथौड़े चल रहे हैं, सो जा। वो इसलिए सो जाएगा क्योंकि समझ नहीं आ रहा। जिन बच्चों को क्लास यहां पर भी बैठे समझ नहीं आती, वो ऐसे कर रहे होते हैं, उठो, क्योंकि जब ब्रेन प्रोसेस नहीं करता तो उसे निन्नी आती है, मुन्ना सुना देता है, कहता है ये अपने मतलब की नहीं है, इसे डाउनलोड नहीं करो, पहाड़ में गया। हर तरह से फायदा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपकी नींद बढ़िया है, आपका ब्रेन रिलैक्स है, अधिकार क्षेत्र का पॉइंट समझ आ जाएगा, ना आप किसी को फालतू बोलोगे और ना किसी माई के लाल में दमोगे, आपको फालतू बोले सुनोगे नहीं किसी भी हालत के अंदर। देर आर सेवरल वेज, स्वयं को पहचानने के हजार तरीके हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने आप पर विश्वास करना, अपने आप पर फेथ रखना, अपने अंदर ईश्वर बैठा है ये मानना, जानना और समझना। मानते तो बहुत कुछ है हम, जानते तो बतेरे हैं, समझते कहां है, फिर रोते रहते हैं। परेशान दिमाग में कभी मत मांगना, हे भगवान मेरा पेपर पास करा दे, फेल हो जाएगा। शांत दिमाग में मांग लो चार दिन पहले, जिन जिन कन्याओं को वशीकरण कराना है अपने पति के लिए, वो शांत दिमाग में मन से वाइब्रेशन छोड़ दें, हे पति मेरे पैर दबा, मतलब जौन सा वाला पसंद हो, ईश्वर उस समय जरूर सुनेगा। वो क्वेश्चन शायद अभी पूरी तरह समझ नहीं आया या क्या चीज बीच में रह गया। आपने वो कहते हैं फिक्टिशियस स्टेज लेंगे कि लड़का लड़की वालों के घर चला जाए और वहाँ उनके अधिकार क्षेत्र, ये सामाजिक दृष्टिकोण यदि बदलेगा ना। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं कहे कि एक बच्चा, चाहे वो बॉडी 35 साल की है, 50 साल की है, जो अंदर बच्चा है 10 साल का या 15 साल का, वो अपने से बड़े जो उसको संस्कार मिले हुए हैं, उनके सामने अधिकार क्षेत्र की रक्षा कैसे करें। इन्होंने एक्सटेंशन दिए इस प्रश्न की कि जो व्यक्ति 15 साल का नहीं है, 25 का है, 50 का है, अब उसके अंदर के 10 साल का बच्चा डरता था, अब वो अपने से बड़ों के आगे अपने अधिकार क्षेत्र की रक्षा कैसे करे। तो ऐसी स्थिति बड़ी विचित्र है, क्योंकि संस्कार बन चुके हैं, बॉडी की मेमोरी में आ चुका है 50 साल की एज में कि बाबू जी तो हमारे डांटते थे, हम तो 50 के हो गए, लेकिन साला अंदर कोई बच्चा है वो डरता है अभी भी बाबू जी से, नेचर बन चुकी है, पुराना संस्कार है, बॉडी का भी ब्रेन है भाई, वो रियलाइज करता तो क्या करे। उसे एक सादा सा उत्तर है, त्याग दे। इस पर हमने कई क्लासेस में बात की, कॉर्ड काट दो, कई बार ये बात हो चुकी है, उनको त्याग दो अपनी जिंदगी से, क्योंकि वो आपके जीवन के अंदर आपकी बॉडी को ऐसे एक बटन पे ले जाते हैं कि आपका उस पर काबू नहीं रहता। ये एक्चुअली होता है हमारे अंदर के इनर चाइल्ड, इस पर पूरा रिसर्च होती है, लंबी बात है। इनर चाइल्ड हमारे अंदर का एक बच्चा ऑन हो जाता है, या तो उस बच्चे से बातचीत करो, ये हिप्नोथेरेपी में होता है, ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन में होता है, पर अभी पास्ट लाइफ करो, कोई कराने वाला मिले, हिप्नोथेरेपी करो, अभी लंबी लंबी बातें हैं, अब इस पे क्या क्लास करनी। आदमी से कहीं अंदर ये महसूस होता है कि हमने गलत किया, इन्होंने बोला त्यागने से महसूस होता है कि हमने कहीं गलत किया, आपने फिर त्यागे कहा। नहीं, संस्कार, क्योंकि हमें पेरेंटल जो संस्कार मिले उसमें लगता है ना, पेरेंटल संस्कार जो मिले वो सारे के सारे थीटा ब्रेन है। आप अल्फा को जब ऑन करने लायक स्थिति में आ जाओगे, तो आपके लिए आपका कृष्ण, आपका राम, आपका शिव, आपका गुरु वो सर्वोपरि हो जाएगा। इसके अलावा आपको लेना देना ही कोई नहीं होगा कि यार मेरा बाप रूठा जग रूठा, दाई मेरा गुरु रूठा जग रूठा, मेरा शिव रूठा जग रूठा, बाकी बाढ़ में जाए। हम नाभि पर कब जाएंगे, नाभि हमारा मणिपुर चक्र पहला चक्र है, जो नीचे के दो चक्र स्वाधिष्ठान और मूलाधार के ऊपर हमें डर से मुक्त करता है, अहंकार से मुक्त करता है, भाड़ में भेजता है। आप भाड़ में कब भेजेंगे, जब आपको कोई लेना देना ही नहीं है। पर संस्कार जो कह रहे हैं ये वाकई बड़ा कठिन समस्या है, जटिल है, कि संस्कार नहीं छूटते, संस्कार जो नहीं छोड़ पाया वो नया कैसे भरेगा, पुराना त्यागे बिना नहीं होगा।
एक साधु आया दूसरे साधु के पास कि मैं ज्ञान की खोज में आया हूं। बोले ज्ञान की खोज में मतलब? बोले मैं वहां गया इस जगह उस जगह फलानी जगह, मैंने ये सीखा वो सीखा ये सीखा, मुझे ज्ञान नहीं मिला, अभी भी मैं तृप्त नहीं हुआ। तो बोले चाय पियोगे? बोले कैसी बात कर रहे हो, पागल हो गया? बोले गुरु बनाने आओ, पागल बोलते मुझे? बोले मैं कोई कम खुद गुरु हूं? बोले चाय तो पी लो, सीखने आयो ना। बोले ठीक है डालो। दो कप लगाए, चाय डालनी शुरू की, चाय भर गई, प्याली भर गई, गिरती जा रही है, हाथ ही ना रोक रहा। बोले तुम आगे गुरु घंटा लो, मैं गलत जगह आ गया, तुम्हें दिख नहीं रहा, अंधे हो, प्याली भर चुकी है, कितना भरोगे? और बोले बस यही कहना था कि तुम पहले ही भरे हुए और कितना भरोगे, मुझसे सीखने कहां आए हो तुम? तुम किसी से भी सीखने नहीं आए, तुमने किसी से भी नहीं सीखा, एक से भी सीखा होता तो ज्ञान हो जाता, तुम पहले ही भरे हुए हो, चरण पकड़ लिए। बोले ये कभी समझ नहीं आया। बोले आज पहला ज्ञान हुआ, पहला ज्ञान आज हुआ कि तुझे समझ नहीं आया, अभी तक तू भरा कप लेके हर जगह बातें कर रहा था, तेरे अंदर कुछ गया ही नहीं है। इसलिए जब तक पुराने संस्कार छोड़ना नहीं सीखोगे, नया लोगे कैसे? इसलिए संस्कार हमें नहीं छोड़ते। तो नए जो लिए वो भी तो संस्कार ही हैं, जो नए वो भी छोड़ने पड़ेंगे, जो नए लिए वो संस्कार है। हम क्लियर कर दें, थीटा ब्रेन छोटी उम्र में काम करता है, 7 से 14 साल तक सबसे पावरफुल, जब बच्चा सिर्फ डाउनलोड करता है, और 25 साल तक चलता रहता है जब तक नियो कॉर्टेक्स अगला ब्रेन पूरा डेवलप नहीं होता। आप सोचिए कितनी बातें प्रोसेस की हैं आपकी ब्रेन ने। अभी जो नया व्यक्ति सुनेगा कहेगा कौन सा नियो कॉर्टेक्स, कौन सी प्रोसेसिंग, कौन सा 25 साल। तो आप जो कुछ कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, वो फिक्स है, वो संस्कार है। इसलिए बच्चे माँ बाप के चंगुल से निकलते नहीं। इसलिए पहले बच्चों को गुरुकुल ठोक देते थे माँ बाप से दूर, कि इन्हें संस्कार मत दो, इन्हें कृपा सिखाओ, इन्हें ब्रह्म के बारे में सिखाओ, जिसे ब्रह्मचर्य कहते थे। हमने तो उसे नॉन सेक्सुअल होने से जोड़ दिया, लेकिन ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म को जानना, कि अंदर एक्चुअली कौन शक्ति काम कर रही है। तभी तो हम माँ बाप की बातों में आ जाते हैं, या माँ बाप जैसे कहते हैं बेटा सारे बुजुर्ग अंकल आंटी की बातों में आओ, हम उनकी बातों में आते रहते हैं। वो संस्कार है, बटन ऑन हो जाता रोबोट, और वो खत्म ही तब होगा जब आपके जीवन में कोई नया प्रकाश आएगा। अब नया प्रकाश कौन देगा? नया प्रकाश वो देगा जिसको तोड़ दोगे आप। कल मैंने कन्या, बेचारी प्यारी बच्ची है मेरी, उसने मुझे कोई चीज बड़े शौक से बताने के लिए फोन किया, तो मैंने उसे उल्टा डांट दिया। तो वो परेशान हो गई कि मैंने एक ऐसी खुशी की बात इनसे शेयर की, उन्होंने मुझे डांट दिया। मैंने इसलिए डांटा कि भी बड़ा अहंकार कर रही थी, प्रसन्नता ले रही थी, तो मैंने ठोक कर जमीन पर उतार दिया कि तुझे ये भी कुछ आता कि नहीं आता। हालांकि वो परेशान हुई, तो उसने एक ही दिन में ऐसी नाराजगी की, आज ही मुझे कट कर दिया फोन से, बातचीत से, क्लास से, एक दिन के लिए किया, ठीक हो जाएगी मुझे पता है। तो मुझे सब पता, मैं माँ हूं। मकसद बताने का इस एग्जाम्पल का क्या है कि एक सेकंड में टूट गई। अब मजे की बात क्या है, पूरी धरती पर कोई नहीं है जिससे वो टूटती हो। तो मैं फ्री फंड का गुरु बन गया उसका। अब कौन सा गुरु जो उसके ब्रेन को तोड़ बैठा, हाँ ये कैसे हो, ये कैसे कर दिया, ये तो हो ही सकता मेरे साथ, ये तो किसी के बाप में दम नहीं बोलने की। अब वो स्थान अकेला अपने पास है, खुद भी नहीं हिला पाएगी। होगा क्या अल्टीमेटली, वो वशीभूत हो जाता है व्यक्ति। जिस व्यक्ति से आप नफरत कर रहे हो और वशीभूत भी हो रखे हैं, फंसे हुए हैं, वो गुरु है। कितने लोग हैं जो गुरु बनते हैं, कहां ले जा रहे हैं, कहानी और आ गई। सर ऐसा व्यक्ति हमेशा गुरु भी बनता है, जैसे स्टडी लाइन में ले लो, अभी रिसेंटली मतलब कोई बच्चा किसी के पास जॉब के लिए गया या कैसे, मतलब वो अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है या है, ये तो वही जानता है। जैसे वो उसके कैबिन में पहुंचा तो उसने जाते तुरंत ये बोला कि मुझे कुछ नहीं आता, तो बिल्कुल वैसा है, अब बता क्या बात करनी है। मतलब जो भी उसको कहा तो वो बच्चा कहने लगा कि मैं बिल्कुल वैसा हो गया कि वाकई ही मुझे कुछ नहीं आता। सच्चाई दिखा डाली ना, बिल्कुल। किसी के इंटरव्यू पे है, अभी बेटा गया था इनके इंटरव्यू पे, सही मतलब कोई बच्चा गया था इंटरव्यू पे, तो उसको इंटरव्यू देने वाले ने कह डाला डिशुम, तो वो डिशुम हो गया, तो वो खुद हैरान परेशान हो गया, ऐसा कैसे हो गया। क्योंकि जब आप सीखने की श्रेणी में आते हो तो ये इस बच्चे की खासियत हुई कि उसने सीखा। किसी के आगे सरेंडर की ये बहुत बड़ी खासियत है। एक बहुत बड़े गुरु महाराज गुजर रहे थे, तो अरे यार एक और क्वेश्चन, त्यागना और एस्केपिज्म, इसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं, एक ही चीज है। कोई डिफरेंस है, त्यागने में आप उस व्यक्ति के साथ अच्छा और बुरा मानना छोड़ देते हो, एस्केपिज्म में सिर्फ आप मौका तलाशते हो, अच्छा वाला रख लेंगे बुरा नहीं। ये याद रखो, आपके जीवन में अगर आपने सुख त्याग दिया ना किसी व्यक्ति से, दुख अपने आप भाग जाएंगे। इन्होंने बड़ी सुंदर बात की, बड़े लोग संस्कार दे बैठते हैं, फंस जाते हैं। आपके माता पिता
जो मान लो माता पिता ही हमारे को प्रताड़ित कर रहे हैं, ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, तंग कर रहे हैं। अब इन्होंने बताया कि बड़े पुराने संस्कार हैं और हम उनके सामने जाके अधिकार क्षेत्र की रक्षा नहीं कर पाते, तो आप उनके सामने अधिकार क्षेत्र तोड़ते हो और आपको बुरा लगता है। आप उस बुराई को क्यों सहते हो? क्योंकि उनसे कुछ सुख मिला है। आपको उनसे रिश्ता कैसे त्यागना है? जो बात इन्होंने की, आप उनसे सुख लेना त्याग दो, आप हैरान हो जाओगे। प्रकृति का नियम है, आप उनसे सुख लेना त्याग दोगे, दुख मिलना बंद हो जाएगा। इतना जिगरा चाहिए, अपने आप बंद हो जाएगा। आप उनसे किसी सुख के लालच की वजह से उनसे दुख ले रहे हो, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा ये। जब आप सुख त्याग दोगे किसी से, आपसे दुख भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए आपको पत्नी से दुख है, उससे मिलने वाले सुख त्याग दो, स्वावलंबी बनो, आपको उससे दुख मिलने बंद हो जाएंगे, गारंटी। तो खाना सब अपना बनाएंगे। एक ज्ञानी महिला ने कहा है कि इसका मतलब खाना सब अपना अपना बनाएंगे। इन्होंने ये टेंशन शुरू की है कि अब मुझे भी खाना बनाना पड़ेगा। पति तो बनाते ही हैं, इनका भी बना लेते हैं। ओह नंबर ना, चलो इनके पति को हमने घोषित कर दिया, कुछ नहीं आता। सर आपने सुख वाली बात की ना, मैं एग्जांपल एक वैसे, आप पति को सुखा डालो। सुख क्या, इसको बंदे को सुखा डालो, इसकी जेते ही फेर दो। हाँ अधिकार क्षेत्र के स्ट्रिंग बाया भी जुड़े होते हैं, मतलब अगर हम उतने ना जुड़े हों लेकिन हमारे पेरेंट्स जुड़े हों तो भी तो हम रोक, मतलब फिर हम उसके बाया के रिश्ते को। मैं प्रार्थना करूंगा आप कॉफी पीजिए ना आए अगली बार। आज सारी क्लासेस के प्रश्न पूछ डाले हैं कि अधिकार क्षेत्र के स्ट्रिंग्स क्या वाया भी जुड़े होते हैं, यानी माता पिता के थ्रू भी हमारे में ट्रांसमिशन हो रहा है अधिकार क्षेत्र का। ये फैक्ट है, आपके ट्रांसमिशन ये बहुत डीप जाएगा, हम इसको छोटे में खत्म करेंगे क्योंकि टाइम नहीं है इतना। जब एक लड़की है रो रही है कि मेरे पति मारता है और वो चार को बताती है, तो चारों की वाइब्रेशन यही जाती है, हाय बेचारी हाय बेचारी, और वो उसे हाय बेचारी बना के ही छोड़ते हैं। ऐसे ही जब हम माता और पिता के थ्रू फालतू में जुड़े हुए हैं कि नहीं पुण्य है, नहीं नहीं पाप है, इनकी बात तो सुननी है नहीं तो घर के नीचे सांप है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कोई किसी के पाप पुण्य का भागीदार नहीं है, आप अपने कर्मों के अनुसार ही फल लेते हो, अपने कर्मों के अनुसार ही जीते मरते हो। अकेले मरना है, ये फालतू चक्रों में मत फंसो। एक ईश्वर मान के चलो, वो भी इसलिए क्योंकि अंदर सांस ले रहा है, जीवारा और दादाजी के तौर पर काम कर रहा है। ये एक प्रश्न आया पीछे के, मर जाएंगे मनुष्य, पहली बार कब हुआ था, अंडा हुआ मुर्गी हुई, पहली बार कब जन्म हुआ, ये अनंत है। कोई जन्म मृत्यु के चक्कर में मत फंसो, इस डायमेंशन में समझ नहीं आएगा, नई डायमेंशन में किसी और लोक में मिलना, वहां बताएंगे। होती है और डिमेंशन, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नाराज हूं। टॉफी के बिना नहीं मानूंगा है। लास्ट कहानी है, एक बार गुरु जी गुजरे तो शिष्यों ने बड़ा आंसू बहाए, कि गुजरे नहीं जी गुजरने वाले थे, शिष्यों ने बड़े आंसू बहाए, अभी थोड़ी देर में मारेंगे उन्हें कहानी पूरी करके, कि गुरु जी हम जिंदगी भर ये समझ नहीं पाया आपके गुरु जी कौन थे। देखा है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आपके गुरु जी कौन थे, आप हमें इतना सिखाते हो, पूरी खोपड़ी पूरा जिंदगी पूरे जीवन का सार बदल दिया है, आपके गुरु जी कौन थे। बोले बेटा मैं क्या बताऊं, मेरे गुरु तो सारे थे, मैं जितनों से मिला सीखने वाला शिष्य बनकर रहा, मुझे सबने सिखाया। बोले जी दृष्टांत उदाहरण दीजिए। बोले बड़ा सिंपल, जब शुरुआत की बात थी तो मैं बड़ा फकीर बन गया, बड़ा खुश होता था यार, हाँ हम तो ऐसे घूमेंगे फक्कड़, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो मेरे पास पानी पीने का पात्र था एक, और मैं उसको साथ रखता था, उसी में खाना खाता था, उसी को सिर के नीचे रख के सोता था, कोई चुराना ले डरा रहता था, तो मैं नदी किनारे गया पानी पीने, वहां एक कुत्ता भी आ गया, मैं हंसा, साले पानी कैसे पिएगा तू, देखा वो पानी में कूद गया और वहीं लपाटे मार के पानी पिया। मैंने उसी दिन अपना पीने का पानी का पात्र फेंक डाला, उस कुत्ते के चरण छुए और सीखा कि एक पात्र मुझे बांध के बैठा है। मैंने भी नदी में डुबकी लगाई। बोले जब फकीर ही बन गए हैं और कभी पानी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, कभी खाना मिलेगा नहीं तो फाके में, तो साला इससे भी क्या छोड़ू, दफा कर। बोले वो भी मेरा गुरु बना। बोले जी और? बोले फिर मैं गांव में गया और भागम भाग में सर घर पर मुझे दुत्कारे, खाना भी ना खिलाए, गांव से गांव भटकता रहा, ऐसी जिंदगी की दौड़ भाग लगी, भूखे मरने की नौबत हो गई, पर फकीर है। मैंने कहा क्या करें, जब जिस राह चल दिए तो चल दिए। तो सड़क किनारे पड़ा था, एक राहगीर आया मुझे उठाया, बोले क्या कर रहे हो यहाँ। बोले बस मरने की तैयारी है, बाकी ऊपर वाला जाने, जिंदा रखेगा क्या मार देगा। बोले कहाँ जाना चाहते हो? बोले कहीं नहीं, मैं तो फकीर हूँ। बोले आओ मेरे घर चलो। तो पूछा उसने कि तुम क्या करते हो? बोले मेरे बारे में जान के क्या करोगे, रह लेना जितने दिन रहना हो।
बोले करते क्या हो बताओ तो, बोले क्या करोगे जान के। मुझे उसी दिन रियलाइज हुआ कि मुझे दूसरे के लिए जानने के क्या लेना देना। मैंने उसके भाई चरण छुए, साथ चल दिया घर गया, उसने मुझे खाना दिया, कपड़े दिए और बोला सो रेस्ट करो। बोले मैं रात को जाऊंगा काम पे। अरे क्या काम करते हो? चोरी करता हूँ। हैरान हो गया मैं, चोर के घर रुकूं? बोले फिर तुम्हें शर्म आएगी, तुम तो फकीर हो। बोले नहीं, तेरे पैर छू चुका, अब नहीं, अब जैसा ऊपर वाला जिस रजा में रखे। तू मुझे बचाने आया, मैंने देखा है, कोई और था ही नहीं। बोले ठीक है, बहुत बढ़िया। बोले उसके बाद आगे चला गया रात को। वो अगले दिन आया सुबह, मैंने बोला कुछ लगा हाथ? बोले कुछ नहीं यार, आ कल देखेंगे। बोले ऐसे करके मैं उसके घर 30 दिन रहा और 30 दिन तक वो रोज रात को जाता था और रोज सुबह खाली हाथ, और सुबह मैं पूछता था कुछ हाथ लगा, वो हंस के कहता था अरे कर लेंगे कभी ना कभी यार, क्या फर्क पड़ता है। बोले मैं वहां से विदा ली, उसके चरण छुए और ये जाना कि हर छठे दिन मैं ईश्वर से नाराज होता रहता हूं। पूरा जन्म दिया उसने इस चोर को, देखा 30 दिन तक ये रोज मेहनत से गया, इसे कुछ ना मिला, इसने एक बार भी पछतावा नहीं किया जीवन से। अगले दिन फिर उसी शिद्दत से लगा रहा। मैंने शिद्दत इससे सीखी कि अब लगातार पूरे जन्म इसी शिद्दत से ईश्वर को पाने में लगा रहूंगा। क्यों थकूं? हम बात बात पे मां से नाराज होते हैं, बाप से नाराज होते हैं, नौकरी से नाराज होते हैं, लगे रहो ना, आएगा अच्छा दिन, आएंगे अच्छे दिन आएंगे, विकास होगा। बोले ये गुरु है। एक बार एक वृतांत में मेरे पास खाना पीना साजो सामान बहुत सारा आ गया और मैंने देखा एक बेचारा गरीब भिखारी सड़क पे पड़ा है। उसके पश्चात मैंने बांट रहा था खाना, देखा तो वो दूसरे धर्म को मानने वाला था। मैंने उसे मना कर दिया कि मैं तुझे नहीं दे सकता, तू दूसरे धर्म को मानता है, मैं तुझे खाना नहीं दूंगा। बोले उसने मुझे बोला कि चिंता किस बात की है, जिस उस परमात्मा ने मुझे 30 साल भोजन दिया है वो आज का दिन का भी भोजन कहीं से दे ही देगा। बोले मैं उसके चरणों में गिर गया और जाना कि यार किसी को एक दिन भोजन दे के मैं बड़ा चौधरी बन रहा हूं, उस बंदे को 30 साल 40 साल से कोई पाल तो रहा है, ऊपर वाला कोई जरिया बना देता है। हम यह अहंकार करते हैं इसने मुझे खिलाया मैंने उसे खिलाया, जरिए हैं, जिस दिन नहीं खिलाया उस दिन का जरिया भी वो देगा, किस अहंकार में जीना। बोले ऐसे ही बेटा वृतांत मेरे जीवन में रहे और इन्हीं से ही मैंने इन गुरुओं से ही सब कुछ सीखा और आज इस लायक पहुंचा। हम सबके जीवन में गुरुओं का ढेर पड़ा है, हम सीखने को राजी नहीं है। सीखने वाले बनो, अपने पे काम करो, अपने अलावा किसी दूसरे के लिए सोच बैठना आपको अपने से दूर करता है। और उपे हम छेनू हथियार इस्तेमाल करते रहते हैं या मुन्ना, अधिकार क्षेत्र सिर्फ स्वयं पे इस्तेमाल करना है। अपनी एग्जिस्टेंस, अपना शरीर, अपने मन को बचाना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। धर्म से जुड़ा व्यक्ति संसार में ईश्वर का प्रेम पाता है, वो स्वयं प्रेम को जानता है और उसे सब कुछ वो मिलता ही है जो जरूरी है। जब ये रियलाइजेशन हमें आ जाती है तो आप हम देखेंगे यार हर काम वो कर रहा है, हर काम अच्छे के लिए कर रहा है, और उससे मुकाबला क्या करना, उससे क्या नाराज होना, बेकार की टेंशन। अपने मन को संतुलित कीजिए, बढ़िया नींद लीजिए, अंतिम वाक्य सोचिए अरे जिंदा तो है, जीवन खुशियों से ही भरा, आनंद के अलावा कुछ है नहीं। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत समय लिया आप सबका, आपको भी प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, नमस्कार, नमस्कार जी, नमस्कार, नमस्कार, रह गया। हाँ और क्या यार, दबा करो।
जो है।